नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आप लोग के साथ आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रखे हैं या फिर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी सूचना आ गया है रिजल्ट को लेकर के। क्योंकि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रखे हैं उनको रिजल्ट की चिंता है कि कब तक रिजल्ट आएंगे, क्योंकि रिजल्ट का बहुत दिन वेट करते हुए हो चुका है स्टूडेंटों का, बहुत दिन से इसका इंतज़ार हो रहा है। चलिए, एक ऑफिशियल जानकारी आया है जो कि स्टूडेंटों की मांग किया गया रिजल्ट के रिगार्डिंग, इसके तत्पश्चात जो यहां पर जानकारी आई है पूरी क्लियर करते हैं। चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल टाइप का जो नोटिस जारी किया गया है उस पर और डाउट क्लियर करते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर फ्रेंड्स, आप लोग स्पष्ट देख सकते हो पैरामेडिकल का सत्र नियमित करने के लिए प्रदर्शन, यानी पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर पैरामेडिकल का कोर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स होते हैं, उन सारे कोर्सों को नियमित करने के लिए स्टूडेंटों ने पूरी प्रदर्शन किया, पूरी मांग किया। डिटेल्स जानकारी हम आपको दिखाते हैं। दो वर्ष में होने वाली पैरामेडिकल की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष में पूरी नहीं होने से आक्रोशित राज्य के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो कॉलेज NMCH हो या फिर PMCH हो, DMCH हो, गया NMCH हो, JLNMU भागलपुर हो, पूरे स्टेट के कैंडिडेटों ने यहाँ पर अपने रिजल्ट को मांग किया। मांग में क्या क्या रखा गया कि जो 2018 में नामांकित हैं उनको द्वितीय वर्ष की परीक्षा लेने से संबंधित, वर्ष 2019-22 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम यानी कि रिजल्ट आने के लिए, और 2020-22 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का आवेदन भरे जाने की मांग की। यानी दोस्तों, अगर बात करो तो 2018 सेशन की बात कर लीजिए या फिर 2019 सेशन की बात कर लीजिए या फिर 2020 सेशन की बात करिए, सारे सेशन यहां पर बैक टू बैक लेट होते जा रहा है। इसी को लेकर के पूरी यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। अब इसका डिसीजन क्या आया, इसके लेकर के जानकारी क्या दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, परीक्षा नियंत्रण विभाग के तरफ से क्या जानकारी दिया गया वो दिखा देते हैं। इस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि कोरोना को लेकर के पैरामेडिकल में नामांकन 1 वर्ष विलंब हुआ, उसके बाद अग्निपथ योजना को लेकर के हुए आंदोलन भी इसमें बाधा पड़ गया, इसको लेकर के 3 महीने परीक्षा नियंत्रक नहीं थे। यानी कि कुल मिलाकर के बात करोगे तो यहाँ पर 3-4 कारण दिखाया, कोरोना को लेकर के, अग्निपथ योजना को जो यहाँ पर चल रही थी आंदोलन उसको लेकर के, और बीच में 3 महीना परीक्षा नियंत्रक जो थे वही अब्सेंट चल रहे थे, इसी को लेकर के यहाँ पर परीक्षा समय पर और रिजल्ट समय पर घोषित नहीं किया गया। बात करेंगे कि आगे कब तक होगा, तो यहाँ पर जुलाई या अगस्त तक सभी लोग परीक्षाएँ, सभी लंबित परीक्षाएँ ली जाएगी। यानी कि इस माउंथ में आप लोग का रिजल्ट और आगे की जो परीक्षाएं होंगे, यानी कि अगस्त मंथ तक आप लोग की पूरी प्रक्रिया करा लिए जाएंगे, ऐसे आश्वासन दिया गया। अब देखिए, बिहार पैरामेडिकल छात्रों के अंतर्गत हो रही अन्याय को कब तक सरकार इस बात को समझ पाती है, जैसे कोई नया नोटिस आती है हम आपको सबसे पहले जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देंगे। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ से पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके पूरी जानकारी ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करके 1 लाइक जरूर करिएगा। देखते रहिएगा फास्ट इन्फॉर्मेशन मेडिकल जॉब्स चैनल। थैंक यू।